हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्टडी आईक्यू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम नई टेक्नोलॉजी यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एंड फास्टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है ये और कैसे इंप्रूवमेंट आएगी हमारे टॉल सिस्टम में। ये सारी बातें इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे और ये जो लेसन है मेरे द्वारा प्रेजेंटेड है, माय नेम इज़ यशिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के कंटेंट्स क्या है हमारे लेसन में, यानी कि हम इस पूरे लेक्चर में करने के वाले हैं। इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टॉल कलेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन सिस्टम क्या होता है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी बिहाइंड है एंड उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, कैसे वर्क करेगी, क्या इसमें होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोई आपका डाउट इसमें नहीं रह जाएगा। तो फर्स्टली पिछली बार मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बार कोड और क्यूआर कोड में क्या डिफरेंस होता है। तो मेजर डिफरेंस यही होता है कि क्यूआर कोड जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जबकि बार कोड जो होता है वो सिर्फ एक वे में स्टोर करता है। ठीक है, लाइक जो क्यूआर कोड है वो 2D इन्फॉर्मेशन स्टोर कर 2D वे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है एंड जो बार कोड है आपका ओनली 1D इन्फॉर्मेशन स्टो करता है। तो यही मेजर डिफरेंस था और काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर एकदम राइट दिया। अब बात करते हैं कि आज का जो लेसन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखिए दो टाइप के टॉल कलेक्शन सिस्टम है, एक तो एग्जिस्टिंग जो अब हो रहा है जैसे यूज़ होता है एंड एक प्रपोज सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि लाइक आपकी जो कार्स हैं वो टॉल प्लाजा पे रुकती है एंड उसके बाद पैसे देती हैं, पे करती हैं अपना जो टॉल उनका कलेक्ट मनी होती है, फिर उसके बाद उनको आगे जाने दिया जाता है। तो ये आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है। इसमें मेजर ड्रॉबैक क्या है कि लाइक कार्स को रुकना पड़ता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेजर इसका डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हमारा जो प्रपोज सिस्टम है जिसको हम कहने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या है, ये फ्लैश टैग क्या है, ये RFID टेक्नोलॉजी क्या है, यही हमारा जो लेसन है पूरा इस पे ऊपर बेस्ड है। बात करते हैं कि इसके ऊपर पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं कि ये कैसे आया, क्या हो रहा है। तो देखिए इट वाज लाइक इन नवंबर 2016 जब गवर्नमेंट ने ये प्लान किया। ये तो बहुत पहले जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ की कर ली गई थी दिल्ली गुड़गांव में, बट जब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि पूरी इंडिया में इसको यूज़ किया जाना चाहिए क्योंकि जो हमारे हाईवेज़ हैं रोड्स हैं इनको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए 2016 में ये बात चली कि जब गवर्नमेंट सोच रही थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को अक्रॉस द कंट्री कर दे। ठीक है, तो आपको पता है कि तब 2016 में नवंबर में कैशलेस इकनॉमी पर बहुत ज़्यादा हुई, जो एक तरीके से डीमोनेटाइजेशन हुई, कैसे सारा जो आगे बढ़ा। तो कैशलेस इकनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये फास्टैग्स का जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस हुआ कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो जो हमारी टॉल सिस्टम है और कैशलेस इकनॉमी है काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद ये जो प्रपोज़ल है इसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ बातें हैं ऐसी हुई कि जिसमें आप कह सकते हैं कि इंडिया में ये सिस्टम लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि RFID टेक्नोलॉजी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस एरियाज ऑलरेडी यूज़ हो तो रहे हैं, बट आप देखेंगे बाहरली जो कंट्रीज़ हैं लाइक जापान हो गई, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव वे में ये यूज़ होती है टेक्नोलॉजी जो टोलिंग सिस्टम्स के लिए। तो वो एक्सपेंसेस देख के गवर्नमेंट को ये सोचा कि कोई आम आदमी इसको क्यों यूज़ करेगा। ठीक है, तो काफ़ी महंगी है, कस्टमर को अगर हम ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो हमें इसका एक एक रुपया जो देना पड़ेगा वो कैसे कोई देगा। तो इसके लिए एक इफ़ेक्टिव सिस्टम की ज़रूरत थी, बहुत कम रेट सिस्टम की ज़रूरत थी कि जिससे आपकी गाड़ी आराम से निकल जाए और आप एक तरीके से बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। तो उस टेक्नोलॉजी को लाने में, उस पर सब कुछ डिस्कशन करने में थोड़ा सा गवर्नमेंट को टाइम लग गया, बट आपको पता है 1 दिसंबर 2017 पे ये गवर्नमेंट का ही रूल कर दिया गया है कि अब से जो भी गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी आपकी उन पे ये जो फ्लैग आप कह सकते हैं फास्टैग है वो लगा होगा, ऑलरेडी लगा होगा, और अगर आपकी गाड़ी में नहीं लगा है तो आप इसको 100 या 200 रुपीज़ में परचेज करके आराम से लगवा सकते हैं। एक तरह की चिप होती है जो आपकी गाड़ी के आगे विंडो एरिया में
लगेगी, ठीक है। तो ये सारी बात होगी, इसके थोड़े से ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब थोड़ी सी समरी मैं आपको और देना चाहूँगी कि इस प्रोसीजर में क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ ये फास्टैग की, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए और इंडिया की सारी जो बातों का ध्यान रखते हुए, ज़रूरत के अनुसार आप कह सकते हैं इंडियंस का ध्यान रखते हुए, उनके सिटीजन्स का ध्यान रखते हुए, मतलब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो श्री नंदन नीले काने के द्वारा, जो कि चेयरपर्सन थे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा हेडिट की गई। इसमें हुआ क्या, उन्होंने 7 बातों का बहुत ध्यान रखा। ये 7 बातों का ध्यान रखते हुए, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखते हुए, ये पूरा प्रपोज सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया कि इसमें कैसे फास्टैग्स आएंगे, कौन सी RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ताकि जो इंडियन के सूटेबल हो, यानी कि हमारी कंट्री के लिए सूटेबल हो। एंड ये बातें क्या थी, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर एक कार या हर एक व्हीकल को। सेकंड जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था, टॉल शुड बी इमीडिएटली चार्ज फ्रॉम द व्हीकल वन इट्स पार्ट थ्रू द टॉल। क्यों, क्योंकि जब भी आपका व्हीकल इंटर करे, वो इतना मजबूत सिस्टम होना चाहिए, वो इमीडिएटली आपका जो टॉल है वो आपसे ले रहे, आपके बैंक से डेबिट कर ले, ठीक है। अगेन अगले जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, डिफरेंट टॉल ऑपरेटर शुड बी एबल टू रियलाइज देयर रिस्पेक्टिव टॉल एंड शुड हैव एक्सेस टू द टॉल कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेटर्स, लाइक डिफरेंट ऑपरेटर मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट इसमें आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये व्हीकल्स कौन से हैं, ये 2-व्हीलर है या 4-व्हीलर है, एंड ये कौन सा प्रपोज, कौन सा इन्होंने फास्टैग यूज़ किया हुआ है, कि ये किसी ICICI बैंक का है या आप कह सकते हैं SBI बैंक का है। तो इस प्रकार से ये भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कौन से फास्टैग सिस्टम का इन्होंने यूज़ किया है। आगे बात करते हैं वायलेशन इन टॉल कलेक्शन, जैसे कि किसी के बैंक में मतलब फास्टैग में पैसे ही नहीं है, ठीक है, एंड किसी के जो उसने वो नंबर ही नहीं, उनका वैलिड नंबर नहीं है, तो वॉयलेशन के लिए भी, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी ध्यान रखना था इस बात का। कॉस्ट टू द यूज़र, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कॉस्ट कम पड़नी चाहिए थी हमारे जो सिटीजन्स को, ये मेजर टास्क था। एंड मल्टीपल वेंडर्स होने चाहिए, मल्टीपल वेंडर्स मतलब यहाँ पे मल्टीपल जो लोग हैं, जैसे कि मल्टीपल आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर बैंक्स जो होने चाहिए, जो इस फास्टैग को प्रोवाइड करें इंडियन सिटीजन्स को, जैसे इसमें अब ICICI भी है, SBI भी है। एंड उसके बाद आती है नेटवर्क ऑफ टैग रिचार्ज फैसिलिटी, एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि जो इजीली इंडियन सिटीजन्स हैं अपने जो फास्टैग्स हैं उनको रिचार्ज करवा सकें। ये क्या है, मैं कैसे बोल रही हूँ फास्टैग रिचार्ज करवा सकें और डिफरेंट, ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। अभी आपको मैंने मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि कैसे ये सिस्टम को डिज़ाइन किया गया, कैसे सोचा गया कि RFID जो टेक्नोलॉजी है कैसे इंडिया में आई, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो। एंड आगे बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन सिस्टम है क्या ये सिस्टम, इसमें देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन सिस्टम है, ये आपको अलाउ करेगा यूज़र को टू मेक द पेमेंट ऑफ हाईवे टॉल्स और ऑटोमेटिकली, कैसे ऑटोमेटिकली, इन दिस वी डू आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी कि रेडियो वेव्स के द्वारा। अ व्हीकल विल होल्ड एन RFID टैग, जिसको हम कहते हैं, जो मैं अभी हमारे इंडिया में यूज़ होगा वो है फास्टैग। ये जो फास्टैग होगा नथिंग बट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो आपकी कार को असाइन किया जाएगा या आपकी व्हीकल को असाइन किया जाएगा। ये जो सिस्टम होगा कैपेबल होगा क्या डिटरमाइन करने के लिए, इफ़ द कार इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, एंड देन इंफॉर्मिंग द अथॉरिटी ऑफ अ टॉल पेमेंट वॉयलेशन डेबिट्स एंड जो आपके अकाउंट्स रिलेटेड डिटेल्स है सारी बातें, ठीक है। ये सिस्टम है 2 टाइप्स का होता है, लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन सिस्टम और एक आप स्मार्ट कार्ड्स। तो इंडिया में ये इस प्रकार से यूज़ होगा टैग्स के, और जो जापान यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे ज़्यादातर स्मार्ट कार्ड्स की तरह से जो ये सिस्टम है वो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस चीज़ में पर्टिकुलरली ये टेक्नोलॉजी में होने क्या वाला है। देखिए इसमें बेसिकली आपकी जो कार है, लेट अस सपोज हम कहते हैं कि कार आपकी टॉल प्लाजा के पास में आ गई, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका रीडर है वो आपके RFID टैग की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो
कैप्चर करेगा उस टेक्नोलॉजी के द्वारा. अब ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है हम आगे बात करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ. वो ट्रैक करने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड अप करेगा एंड वो कंप्यूटराइज सिस्टम में, सेंट्रल सिस्टम में स्टोर होगी. उसके बाद उसमें रीड अप करने के बाद आपके फास्टैग की जो उसमें बैलेंस है उसको चेक किया जाएगा कि ये ठीक है, उतना बैलेंस सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं है, वो डिडक्ट कर लिया जाएगा. डिडक्ट करने के बाद सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है व्हाटसोएवर पूरा प्रोसेस होने के बाद आपकी जो आगे वाला गेट है वो खुल जाया करेगा और आपकी कार आगे निकल जाया करेगी. ऐसे पूरा सिस्टम वर्क करेगा. अब इस सिस्टम में छोटी छोटी बातें क्या होने वाली हैं, ये RFID टेक्नोलॉजी कैसे एक कार्ड को, एक चिप को रीड करने वाली है, ये टेक्नोलॉजी हम आगे डिस्कस करते हैं. तो आज मैंने अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चले कि कैसे सब होने वाला है. ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि ये फास्टैग्स क्या होते हैं. देखिए फास्टैग्स जो हैं इनको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स भी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया. ठीक है, ये एक तरह की चिप होगी जो आपके कार के आगे जो विंडो एरिया होती है वहाँ पर लगेगी. और ये क्या कैसे काम करेगी, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी में एक रीडर होता है, वो उस रीडर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जब वो RFID जो चिप है वो उसके अंडर आ जाती है तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन रीड करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, ऐसे करके ये आपका फास्टैग जो है वो यूज़ होगा. अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि क्या ये फास्टैग एक्सपेंसिव होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको 100 or 200 रुपीस के अराउंड मिल जाएगा. और जो अब 31st के बाद जो फॉर्म कार्स होंगी, 1st December के बाद जो 2017 के बाद जो भी कार मैन्युफैक्चर होगी उनमें ऑलरेडी ये फास्टैग जो है वो लगा होगा. ठीक है, बट जिनके नहीं लगा है वो 200 or 100 रुपीस में इसको परचेज कर पाएंगे. एक बात क्वेश्चन ये भी आएगा आपके माइंड में कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में वर्क करेगी. तो मैं आपको बताऊं लाइक सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, एंड ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ होती है जिनको हम अभी फास्टैग्स के नाम से जानते हैं. और वहाँ पे इनको ऐसे टर्म किया जाता है ऐसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ठीक है, ये जो रीडर्स हैं काफ़ी वेरियस और डिप्लॉयड किए जाते हैं वहाँ पे, तो बहुत फास्ट सिस्टम यूज़ किया जाता है. इंडिया में कैसा सिस्टम यूज़ किया जाएगा कि कार जब बहुत करीब आ जाएगी ना, लाइक आप कह सकते हैं कि 5 to 2 kilometers तक, 5 meters तक, आप कहें 5 meters तक कार जब आपके करीब आ जाएगी तब आपका रीडर जो है वो रीड करना स्टार्ट कर देगा आपकी जो फास्टैग की इन्फॉर्मेशन. बट अगर जापान या यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपकी कार अगर 20 meters भी दूर है ना तब भी आपका जो रीडर है उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, मतलब रीड कर सकता है. इतना फास्ट सिस्टम वहाँ पे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. तो कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फास्टेस्ट फ्लो होगा, बट यहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा फास्ट नहीं लिया जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं ली जाएगी रेडियो वेव्स की, कम ली जाएगी, बट फिर भी वो काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम होगा. मेन रीज़न क्या है इस सिस्टम को हमारे इंडिया में लाने का, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा. एंड आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास इतना, दैट्स वाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंट्रोड्यूस की जा रही है हमारे अक्रॉस द इंडिया में. और एक और बात, ये जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी दिल्ली गुड़गांव हाईवे में यूज़ हो चुकी है, बेंगलोर में भी साइड यूज़ हुई हुई है, बट अक्रॉस द इंडिया नहीं हुई है. अब बात करते हैं कि क्या ये चार्जेस होंगे, जो ये भी हमने बात की कि क्या चार्जेस होंगे. अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इस फास्टैग में कैसे आपकी जो पेमेंट है वो होगी. देखिए फास्टैग को आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा. अब तो पेटीएम ने भी ये जो टेक्नोलॉजी की रिचार्ज करने की है वो पेटीएम ने भी अपने सिस्टम में इंक्लूड कर लिया है. आप बैंक्स के द्वारा भी इसको रिचार्ज करवा सकते हैं, अमाउंट जितना आप उसमें रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप कितना ट्रैवल करते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो चार्ज है टोल चार्ज है वो उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा. आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चिप को. आगे बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं. देखिए कैश पेमेंट होगी, फर्स्टली कैश पेमेंट आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहाँ पे स्टॉप नहीं होना पड़ेगा, सीधे आपको आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगी, ये बात हमने कर ली. प्रमोशनल कैशबैक यानी कि 10% का कभी हुआ डिस्काउंट हो गया, फास्टर ट्रांजिट जल्दी से आप निकल पाएंगे, कोई एक्स्ट्रा आपको हेक्टिक शेड्यूल नहीं देखना पड़ेगा, एक एग्जैक्ट अमाउंट आपसे डेबिट कर लिया जाएगा आपके अकाउंट में से,
ऑनलाइन रिचार्ज आप इसको करवा सकते हैं एंड SMS अलर्ट जब भी आपका जो फास्टैग मैसेज जब भी आपकी कार पास होगी कोई हम आपका अमाउंट जो टोल चार्जेस हैं वो डिडक्ट होंगे तो ऑनर को SMS अलर्ट मिल जाएगा ठीक है। तो अगर मैं इन्हीं चार्ज जो एडवांटेजेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड करूँ तो ये कैसे होंगे? लाइक फॉर रोड यूजर्स के लिए कन्वीनियंस होगा, आप आराम से जा सकते हैं, रोड ट्रैफिक नहीं होगा, कंजेशन इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि पहले सिस्टम में आप एग्जिस्टिंग सिस्टम में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या मेजर ड्रॉबैक था। ऑनलाइन सिस्टम होगा अगर टॉल ऑपरेटर्स के लिए कहें जो ऑपरेट करते हैं जो आपसे कैश लेते हैं उनको लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगी, बेटर ऑडिट कंट्रोल होगा, वो आराम से गाड़ियों को कंट्रोल कर पाएंगे एंड आपकी जो कैपेसिटी है जितनी कार्स वहाँ पे खड़ी हो सकती हैं वो बढ़ जाएंगी ठीक है। फॉर गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, फ्यूल सेव होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, कैशलेस इकोनॉमी होगी, तो ऐसे करके इसके सारे एडवांटेजेस होंगे। बात आती है जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ठीक है। ये टेक्नोलॉजी क्या है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन जो यूज़ होती है आपके रेडियो वेव्स इसमें यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रैक ऑब्जेक्ट्स करने के लिए। इसमें होता क्या है आपका जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जो चिप होती है उसमें EPC नंबर होता है। EPC नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड, ये वो कोड होता है जिसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर होती है ठीक है। इस नंबर के द्वारा आपका जो रीडर है वो सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता है और इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। फिजिकल कांटेक्ट मीन्स कोई इसमें वायर यूज़ नहीं होती, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है रेडियो वेव्स के द्वारा। जब रेडियो वेव्स की इसकी फ्रिक्वेंसी रीडर आपका डालता है तो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो जो रीडर है उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से जो आपका रीडर है वो आपके RFID टैग की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करता है ठीक है। एंड इसकी काफ़ी सारी अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपको दूँ, आप कभी मॉल में जाते होंगे, कोई चीज़ परचेज करते होंगे, वहाँ पे टैग्स का यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप का RFID टैग्स होते हैं। इसमें टैग्स यूज़ होते हैं जब भी आप बिना उसकी पेमेंट किए उसको बाहर लेके जाते हैं तो एक तरीके से उनको पता लग जाता है ना। तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है, लाइब्रेरीज़ में यूज़ होती है और ट्रैकिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ की जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काफ़ी तरीके से यूज़ की जाती है, तो अब ये टॉलिंग सिस्टम्स में भी यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ RFID टैग्स क्या होते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा। देखिए पहले तो सोचा गया था कि एक्टिव RFID टैग को हम यूज़ करें क्योंकि जो इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, जो रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, कि ये जो टैग्स होते हैं इनकी अगर पर्टिकुलरली मैं लिमिट के बारे में बात करूं तो ये जो कार को 10-20 मीटर की दूरी पर ही आराम से पता लग जाएगा रीडर को कि वो कार आ रही है ठीक है। जब मैं पैसिव RFID टैग की बात करूँ तो ये सिर्फ इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज बात करते हैं 5 मीटर टू लेके 10 मीटर तक होती है। इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जो एक्टिव RFID टैग होता है उनमें बैटरीज यूज़ होती हैं जबकि पैसिव में कोई बैटरी नहीं होती, एक तरह की चिप होती है। आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि एक तरह की जो चिप है उसमें सर्किट कैसे जाता होगा, क्या ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कि जिससे जो वो एक तरह की जो चिप है जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो एक वर्क करती है एक तरह के सिस्टम के द्वारा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आया होगा। इसमें होता क्या है, जो आपका रीडर है वो रेडियो वेव्स जो है वो पास करता है और जब आपकी जो चिप है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आती है तो उसमें चार्ज आ जाता है। चार्ज आने के बाद वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है, उसको करंट मिलता है और उसमें वर्क करना स्टार्ट, इन्फॉर्मेशन जो है वो रीडर के पास जानी स्टार्ट हो जाती है। जबकि एक्टिव RFID टैग में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, उनमें ऑलरेडी बैटरी होती है मतलब उनमें चार्ज होता है तो उनको पास आने की ज़रूरत नहीं होती, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई बहुत दूरी से भी उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर ली जाती है, यही मेजर डिफरेंस होता है। एंड सेमी पैसिव में भी ऐसे ही कुछ होता है, मतलब मिक्सचर होता है थोड़ा बहुत। जैसे कि अब बात कहते हैं कि RFID रीडर, मैं कब से ये टर्म यूज़ कर रही हूँ, ये क्या होता है। देखिए ये जो रीडर होता है ये अपना ही एंटीना यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए विद द टैग, ऐसा टैग होता है, देख लीजिए एक बार। इस प्रकार से टैग होते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग होते हैं, लाइक चिप की तरह भी यूज़ किए जाते हैं एंड एक तरह के से बाको रीडर जैसे आपने देखा ना वैसे भी यूज़ किए जाते हैं। और ये जो रीडर्स होता है कैन प्रोसेस मल्टीपल आइटम्स एट वंस अलाउइंग फॉर इंक्रीज रीड प्रोसेसिंग सिस्टम, काफ़ी फास्टेस्ट होते हैं, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं।
उसके बाद बात करते हैं कि ये रीडर कैसे वर्क करता है. देखिए, मैंने आपको बहुत बार ये एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार और देख लीजिए ताकि आपको एकदम ही क्लियर हो जाए. जैसे कि यहाँ पे इसने एंटीना यूज़ किया और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपनी रेज है वो पास ऑन कर रहा है, ठीक है. अब कोई भी टैग जिसको हम क्या कहते हैं, अगर टेक्निकल टर्म में मैं बात करूँ, उसको हम कहते हैं ट्रांसपॉन्डर, इसके करीब आता है तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है. चार्ज होने के बाद ही उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उसके बाद वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब जो इंटरमीडिएट सिस्टम होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक जाती है, पॉजिटिव जाती है, और वो जो सारी प्रोसेस होनी होती है, जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो परफॉर्म होते हैं. यही इसका जो मेजर, अगर मैं आपको कहूँ कि नटशेल में बात है तो यही होता है, ठीक है. एंड यही सारी प्रोसीजर आपकी कार जो टॉलिंग सिस्टम में होने वाली है. इसके बाद बात करते हैं कि ये जो टैग है, जो टैग में क्या ऐसा इंक्लूड होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, अ टैग जिसको हम ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जो रिसीव करता है आपके रेडियो सिग्नल, किससे, आपके रिसीवर से, ठीक है. ये जो कंटेन क्या करेगा, आपका एक तरीके का एंटीना, और आप कह सकते हैं एक तरीके की स्मॉल चिप. एंटीना क्या करेगा, उस रेडियो वेव्स को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि उसको कैच करेगा ताकि वो चार्ज हो सके और अपना जो डाटा है वो रीडर को दे सके, ठीक है. एंड जो ये टैग होगा वो कब कैसे प्रोग्राम्ड किया जाएगा, या तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम जब आपकी जो मैन्युफैक्चर की जाती है गाड़ी तब वहाँ पे लगा दिया जाएगा, या आप उसको बाद में भी लगा सकते हैं. तो ऐसी कोई वो नहीं है, क्रिटेरिया नहीं है. अब ये जो फील्ड है, जो जो चिप है, वो क्या अलाउ करती है, टू रिफ्लेक्ट बैक एन एक्सट्रीमली वीक सिग्नल कंटेनिंग द डाटा, ठीक है. यहाँ पे जैसे ही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आई और यहीं पे आपका जो रीडर है वो कनेक्ट हुआ, तो वो चार्ज अप शुरू होना चाहिए, अपनी इन्फॉर्मेशन रीडर को देना स्टार्ट कर देगा. तो ये सारा आपका रीडर जो है, जिसको हम कहते हैं टैग, जो है जो आपका चिप है ट्रांसपोंडर, ये सारा वो काम करेगी. उसके बाद बात करते हैं कि ये जो ETC सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक टॉलिंग सिस्टम है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको नहीं बताई वो मैं अब आपको पूरी क्लियर कर दूँगी, आपको सारा सिस्टम समझ आ जाएगा कि कैसे आपकी कार जाएगी, क्या क्या वहाँ पे होगा. एंड चलिए इसको डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इस टॉलिंग सिस्टम में होने क्या वाला है कि सबसे पहले आपकी व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन होगी. इसका मीनिंग क्या है कि उसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी RFID कार्ड है, जैसे कि फास्टैग है, उस वो देखा जाएगा, चेक किया जाएगा रीडर के द्वारा कि वो उसमें क्या वो वैलिड है, क्या वो नंबर एकदम वैलिड है, उसमें इतना बैलेंस है कि हम इस कार को आगे जाने दें या नहीं जाने दें. तो ये पहले आपका डिस्कस होगा. अगर देखिए यहाँ पे इस डायग्राम पे, यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि जो वैलिड कार है उसको इस रूट से निकाल दिया जाएगा, जो इनवैलिड कार है उसको इस रूट से निकाल दिया जाएगा, ठीक है. इस प्रकार से आपका जो व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन होगी. अगले फेज में क्या होगा, आपका जो व्हीकल का क्लासिफिकेशन किया जाएगा. अब व्हीकल का क्लासिफिकेशन का मीन मेरा क्या है, इसमें देखा जाएगा कि व्हीकल 2-व्हीलर है, 4-व्हीलर है, ये कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही टॉल चार्जेस लगते हैं, ये आपको ऑलरेडी बताया. उसके लिए यहाँ पे आपका हाइट सेंसर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्ले, इस प्रकार से ये डिस्प्ले सेंसर लगाया जाएगा, ठीक है. एंड ये देखने के बाद, इस प्रोसीजर के बाद, व्हीकल की क्लासिफिकेशन के बाद, आपका जो टॉल चार्जेस है उसको डिडक्ट कर लिए जाएंगे और आपको SMS अलर्ट दे दिया जाएगा. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो आपका RFID रीडर है वो कहाँ पे होगा. ये देखिए, यहाँ पे ये पूरी दोनों प्रोसेस होने के बाद आपका जो RFID रीडर है ऊपर होगा, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कैचअप कर रहा होगा. यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका जो फास्टैग है वो होगा. रीड करने के बाद आपकी कार ऐसे जा रही होगी और आपका जो टॉल चार्जेस हैं वो डिडक्ट कर ले जाएंगे, और यहाँ पे जो लैन वो होती है, जो गेट होता है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है. इस प्रकार से आपकी जो सारी कार्स हैं वो आगे जाती जाएंगी, व्हीकल्स जाते जाएंगे, और आपके जो टॉल चार्जेस हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे. तो यही इसका पूरा प्रोसीजर होगा. इसके बाद एक और क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहा होगा कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्या किया जाएगा. कोई भी अगर बच भी जाए, वैसे तो ये सिस्टम इतना प्रूफली, इतना सिक्योरली किया जाएगा, अगर कोई बच भी जाता है तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. अगर कहीं देखा जाएगा कोई करप्ट सिस्टम करप्शन कर रहा है तो उसको बाद में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, वो व्हीकल कभी भी इस पर्टिकुलर एरिया में या कहीं से और निकल नहीं पाएगा. तो ये सिक्योरिटी चार्जेस है, और काफ़ी कुछ इसमें है, रूल्स बनाए गए हैं.
एंड इसके बाद मेरे लिए मेरे पास आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर्स देने हैं. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम एक चेंज लाएंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका आंसर देना है. अगले लेक्चर में आपको उसका आंसर बता दिया करूंगी. आपको बताना है कि जो RFID टेक्नोलॉजी है ये कब फर्स्ट यूज़ हुई एंड इसके इसका इन्वेंटर कौन है, किसने इसको इन्वेंट किया. दूसरा आपको बताना है कि RFID टेक्नोलॉजी और NFC इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनकी पूरी मेन डिफरेंस इनमें क्या है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में. एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड से, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. बाय.